सोहे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजम्मिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजी व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग होने लगा 5th व्लॉग और मिलते हैं हम आपको अपने व्लॉग में हर रोज़ की तरह। सोहे हम हो गए तैयार और बाहर मौसम बड़ा ख़राब है, बारिश पड़ रही है, तो हमने पहना वार्मर और अब थोड़ी परफ्यूम डालते हैं, फिर चलते हैं हम अपनी लाइब्रेरी, फिर वापस आते हैं, फिर जो दिन का सीन होगा आपको वो दिखाएंगे। सो फाइनली हो गए रेडी, तो अब चलते हैं लाइब्रेरी, वहाँ से वापस आते हैं, फिर दिखाएंगे दिन का जो सीन होगा, मिलते हैं हम आपको। सो हम आ गए थे वापस लाइब्रेरी से, तो अभी जा रहे हैं नीचे दुकान पे, और ये बारिश बहुत ही कचरा कर रही है, और मिलना है एक बंदे से। और देख सकते हो आप कि मैंने वार्मर पहना हुआ है क्योंकि यहाँ पे बारिश है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं हम पहले दुकान पे, देखते हैं कि अंकल क्या बोलते हैं, उसके बाद जाएंगे उस बंदे के पास, मिलवाएंगे हम उससे आपको। और जुड़े रहना हमारे व्लॉग में और देखते हैं। और अभी हम हैं आकी भाई की दुकान पे, यहाँ पे कुछ चीज़ें लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, मिलवाते हैं हम आपको आकी भाई से, तो दिखाते हैं हम आपको आकी भाई की दुकान कैसी है, हर एक चीज़। और होलसेल में भी आप चीज़ें देते हो, तो अगर किसी को उधार उठाना हो। 50% पेमेंट। अच्छा, 50% पेमेंट और 50% उधार। हाँ, और अगर बांडीपुरा में से आप कहीं से भी हो तो आकिब ट्रेडर्स के पास ज़रूर आना है, इनकी दुकान, ये जो हॉस्पिटल है डॉक्टर बिल्किस का, इनके अपोजिट है। 3:30 और हादी को हो गई छुट्टी, तो हम आए हादी को स्कूल से लेने। और ये हो गई हादी को छुट्टी और हम लेंगे हादी को यहाँ से पिक। पक 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 पक। और ये हादी यहाँ पे आमिर की दुकान पे, और ये आमिर भाई चिल्लाते हुए, इनको सब्र नहीं है किसी चीज़ का। ये यहाँ पे एहसान भाई। हम आ गए थे वापस घर और हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए, तो अभी आए हैं हमारे घर एहसान भाई, उसके साथ उनके घर जाएंगे, फिर कुछ चाय वाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे मार्केट आसिफ से मिलने। और ये हमारे साथ एहसान भाई चला सुना है बोला केमिस्ट्री का सर। ठीक है भाई, ये। और अभी हम बर्गर खाने हैं, ये देख रहे हो आप एहसान भाई कैसे बर्गर काट रहे हैं, कुछ बताओगे आप एहसान भाई? और ये भैया यहाँ पे बांडीपुरा में अपनी क्या बताते हैं इसको, टपरी बोलते हैं, फिर रेडी रेडी लगाते हैं, ठेला ठेला नहीं, ये अपनी रेडी यहाँ पे लगाते हैं गुलशन पारे के साइड में, और हम शाम शाम को इनके पास खाते हैं एग रोल और बर्गर खाते हैं। और भैया आप कुछ बताओगे? बस क्या बताऊँ, ये वीडियो हम फिर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे अपने व्लॉग में, डेली व्लॉग चलाते हैं यार। 30 रुपए का बर्गर, 20 रुपए का। तो आप हमें बताओगे कि बर्गर कितने में जाता है? 30 का बर्गर है, 20 का एग रोल है। और क्या बनाते हो आप? ठीक है, रेड ऑमलेट है। ठीक, वो कितने में है? रेड ऑमलेट है, सिंगल अंडे 30 का। और बहुत ही टेस्टी होता है यहाँ पे भैया का बर्गर। और ये रहा बर्गर, अब हम इसको खाते हैं। बहुत ही टेस्टी बर्गर है। एक तो मिर्ची डाल कर, एक तो मिर्ची के बगैर, चार ले लो आप, तीन तो मिर्ची बन माने, एक तो मिर्ची के बगैर बर्गर पे और खाते हैं हम बर्गर। इतने शोर में तुझे क्या है भाई? फिर ऐड करूंगा ना मैं इस बार, तू लास्ट में क्या भाई, काफी है काफी है। सोहे अभी हम आए हैं घूमने, और ये शोर आपको आ रही होगी, ये इस साइड में नाला है हमारे मधुमती नाला, जिसको कश्मीरी में बोलते हैं कुलिस नाल, तो अभी हम वहीं पे, और ये हमारे इस साइड में जा रहा है एहसान भाई और आसिफ भाई, और हम जा रहे हैं मधुमती नाले की ओर, और हम वहाँ साइड में बैठेंगे। यह है सामने मधुमती नाला, और हमारे साथ बैठे हैं एहसान भाई
जाओ। ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे लोगों ने कैसे गंदगी मचा रखी है। इतनी खूबसूरत जगह को गंदा करने का कैसे सोच सकते हैं भाई ये लोग। ये देखो आप, फाइनली आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो जो ऊपर लाल कलर की घंटी दिख रही है या काले कलर का वो सब्सक्राइब बटन, कुछ नहीं दिख रहा, मैं दिखा देता हूँ, ये है, और इसको ऐसे कर दो सब्सक्राइब और यहाँ पर दबा दो ऑल। तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।